हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, अभी का जो वीडियो है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स है, करेंट एनर्जी है, कैंडल वैक्स रीडिंग है, और ये मैं देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर पूरी रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात उनके क्या थॉट्स थे आपको लेकर। ठीक है डियर, तो कलेक्टिव रीडिंग है, सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सबके लिए। तो ये पॉजिटिव सुनिए और अपना अपने पार्टनर के बारे में यहाँ सोचना है डियर, और पॉजिटिव रहना है। तो चलिए यहाँ देखती हूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे थे पूरी रात। चलिए, ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिएगा, व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोचे थे कल रात, डिवाइन गाइड कीजिएगा, एंजल्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन गाइड कीजिएगा, ऑल आर्कएंजल्स गाइड कीजिएगा। देखिए डियर, यहाँ पे आपने देखा होगा आपसे एक मतलब एक डीप कनेक्शन जो होता है ना, वो देखिए यहाँ से आप दोनों बैठे हो, यहाँ पे आप दोनों बैठे हो, पूरी रात यही सोच रहे थे डियर, पूरी रात आपके पार्टनर यही सोच रहे थे कि इस कनेक्शन को कैसे जोड़ा जाए। देख रहे हो, आप दोनों हो, ठीक है, आप उनकी लाइफ के एंजल हो, ठीक है, लेकिन किसी सिचुएशन में ये ऐसे फंसे हैं कि जहां से निकलना इन्हें मुश्किल हो रहा है, जहां थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांग है। 1 2 3, ठीक है डियर, यहाँ पे देखिए डियर, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन सोल हो आप लोग, ठीक है, सोलमेट जर्नी, ट्यून जर्नी हो सकते हो आप लोग, लेकिन जो यहाँ मैं देख पा रही हूँ डियर, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए एक कनेक्शन फील हो रहा है आपके पार्टनर का आपसे, ठीक है, अनकंडीशनल लव, ठीक है। यहाँ देखिए एक हार्ट भी बना है जिसमें इन्फिनिटी का साइन बना है कि, ठीक है, ये प्यार कभी कम नहीं हो सकता है, ये प्यार हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि सच में वो बोल भी रहे हैं और डिवाइनली गाइडेड आप दोनों, क्योंकि देखो एक और दो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, रीयूनियन कनेक्शन यहाँ मुझे दिख रही है, ठीक है। बहुत लोग रीयूनियन के चांसेस आज करेंट एनर्जी में है डियर की, हो सकता है बहुत लोगों का आज 1 से 2 दिन में 3 दिन में बहुत लोग की रीयूनियन हो सकती है, मुलाकात बात हो सकती है, कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर डियर, ठीक है। ये फोकस है आप पर, ठीक है, ये फोकस है प्यार पर, आप पर बहुत ज्यादा, किसी तरह ये आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। देख लो डियर, यहाँ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें से एक एनर्जी निकली है जो कि इन्फिनिटी पर गई है, जहां एक दूसरे को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर, दोनों ही खुद के लिए आपके पार्टनर जी नहीं पा रहे, खुद के लिए नहीं जी पा रहे, लोगों के लिए यहाँ जी रहे, ये आपसे कहना चाहते, क्योंकि ये अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई नहीं, सिर्फ आपके सिवा। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं खूबसूरत सी एक मतलब कनेक्शन जुटा है डियर, बहुत सुंदर, ये कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आप लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ कांटेक्ट भी कर रहे हो डियर, कुछ लोग कांटेक्ट रियल में भी कर रहे हैं, कुछ लोग टेलीपैथी कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मैसेज एक दूसरे को दे रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन पूरी रात करवटे बदल कर काफी आपको टेलीपैथी मैसेज कर रहे थे डियर, और आपको यह एहसास दिला रहे थे, ये अपने आप से ही बोल रहे थे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है डियर, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते है, ये आपसे बात करना चाहते है, ठीक है। देखिए, खुद को बदलना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। आपके पार्टनर पूरी रात काफी सोचे कि खुद को बदलना चाहिए, मतलब कि ये अपने आप को बदलना चाहते हैं, और ये इन्हें एहसास हो रहा है कि बदलना बहुत ही जरूरी है। अगर ये खुद को नहीं बदल पाएंगे डियर, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और जो इससे जो आपसे इनका कनेक्शन फील होता है, इनके लाइफ में कई यार कई गए, अभी भी कोई ना कोई है इनके लाइफ में, बट जो आपसे कनेक्शन फील करते हैं, कहना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ की एंजल हो, आपने हर तरह से इनको सपोर्ट किया है, आपको छोड़ा नहीं जा सकता है, आपको पूरी लाइफ के लिए मैनिफेस्ट किया जा सकता है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं। यहाँ देखिए डियर, आपके पर्सन कहना चाहते हैं एक स्पिरिचुअल जो द लवर्स की एनर्जी जो होती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं हम दोनों की प्यार की जरूरत है, हम दोनों की एक दूसरे की जरूरत है, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। ये पूरी रात आपके बारे में सोच रहे थे, फील कर रहे थे, कुछ लोग से बातें भी हुई है डियर, लेकिन फिर भी एक अकेलापन में जो बातें होती है खुद से, वही आपके पर्सन अपने आप से बातें कर रहे थे, काफी करवटे बदल रहे थे एक्शन को लेकर, बात को कैसे बात करूं, कैसे आपको मनाऊं, कैसे आपको समझाऊं, क्योंकि ये रिश्ता उनको पता है कि कौन है, आप समझने की कोशिश करो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं।
देखिए ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई प्रेशर ये देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, कि आप जबरदस्ती ही उनसे प्यार करो। कुछ गलतियां हुई है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप बढ़ सकते हो, क्योंकि इस पर्सन को सिर्फ एक कनेक्शन फील होता है आपसे, लेकिन इन्हें नहीं पता है डियर कि आप डिवाइनली गाइडेड हो और डिवाइन से कनेक्शन है आप दोनों का। ये सिर्फ एक आम सोल की तरह बातें कर रहे हैं, जैसे एक प्यार हो जाता है, हम दुनिया में है तो किसी से भी प्यार हो जाता है, लेकिन आप लोग समझ रहे हो कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड आप लोग एक दूसरे से मिले हो, ठीक है, कुछ खास कनेक्शन है ये आपको भी लगता है, लेकिन आपके पर्सन सोचते हैं कि चलो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हम दोनों की इस रिश्ते में इस प्यार की जरूरत है। ये आपको कह रहे हैं कि अगर आपका दिल कर रहा है मुझसे दूर जाने का, आपके पर्सन कह रहे हैं अगर आपका दिल कर रहा है उनसे दूर जाने का तो आप जा सकते हो, लेकिन ये दिल से नहीं बोल रहे, ये अंदर से रो कर बोल रहे हैं, तड़प कर बोल रहे हैं, क्योंकि आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं डियर। तो थोड़ा सा वेट, थोड़ा टाइम है डियर, क्योंकि इनके लाइफ में खुद परेशानी है। तो ये कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हो, आप मूव ऑन कर सकते हो, आप अपने आप के लिए डिसीजन ले सकते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन दिल से नहीं बोल पा रहे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं डियर। अंदर तो इनको दर्द और पेन हो रहा है, क्योंकि आपको खोना भी ये नहीं चाहते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हर पल महसूस करता हूं, मैं तुम्हें खोने से डरता हूं। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना इन्हें एक अधूरापन फील होता है, क्योंकि इनके अंदर भी वो चीज चल रहा है डियर, क्योंकि इनकी फ्लर्टिंग नेचर, इनका स्टबन नेचर, इनके लाइफ में बहुत लोग आए और गए ऐसा, लेकिन उनमें हटकर एक आप हो, ठीक है। कितनों के लाइफ में तो मैं फ्रेंड सर्किल भी बढ़े, अगर किसी से आपके पार्टनर की अट्रैक्शन भी रही हो, या मतलब चीटिंग, फ्रॉड, प्यार, धोखा, ये सब आपके पार्टनर बहुत किया है बहुत लोग के साथ, तो इनमें से कई लोग चार किन्हीं के लाइफ में चार आए गए हैं, ऐसा भी मुझे एनर्जी दिख रहा है, देख रहे हैं, किसी के लाइफ में तीन भी आए हैं और गए हैं, लेकिन आप उसमें एक हो, जो कि एक डिवाइनली गाइडेड हो, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। किसी के पार्टनर के लाइफ में तीन आए हैं, चार आए हैं, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये अनकंडीशनल लव है, डिवाइनली गाइडेड है, तो इसकी एनर्जी ही अलग उन्हें महसूस होती है डियर, ठीक है। एक अधूरापन इनको बहुत फील हो रहा था पूरी रात डियर, एक अकेलापन फील हो रहा था, अगर फैमिली है, थर्ड पार्टी, फिर भी सबसे एक अलगाव था, लेकिन आपके बारे में ये पर्सन सोचे जा रहे थे डियर, ठीक है। ये आपको प्रेशर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं डियर, और एकदम अचानक से जस्टिस भी आपको नहीं दे रहे, इसी कंफ्यूजन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक बहुत डीप कनेक्शन आपके लिए ये फील कर रहे हैं डियर, बहुत खूबसूरत एनर्जी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए डियर, ये तो टूट गया, कोई बात नहीं, आप देखिए, देखिए द लवर्स की एनर्जी जो होती है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, एक हार्ट बना हुआ है, इसमें दोनों का फेस बना हुआ है, ठीक है। एक डीप कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड होते हैं, इसमें से एक कनेक्शन जुड़ रहा है जहां इन्फिनिटी का साइन बना, जो कि डिवाइनली गाइडेड है, और ये मैनिफेस्ट करें इस रिश्ते को डियर, ठीक है, ये मैनिफेस्ट भी करें इस रिश्ते को। देखिए तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, लेकिन ये एक कनेक्शन को फील कर रहे हैं, प्यार को, आपको, ठीक है, ये महसूस कर रहे हैं, और देखिए पैशनेट भी बहुत ये पर्सन, पूरी रात ये सो नहीं पाते हैं, बहुत ख्वाब देखना, बहुत सपने देखना, आपको लेकर पुरानी बातों को याद करना, प्लानिंग करना, बस ऐसी ही रात आपके पार्टनर की कटी है डियर। कुछ गिल्ट की भी है कि आप जैसे इंसान को इन्होंने दिल दुखाया, जबकि आप हर कुछ डिजर्व करते हो, प्यार, खुशी, आपके लाइफ में हर कुछ मिलना चाहिए जो आपको उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। मेंटली, फिजिकली आपको बहुत मिस कर रहे थे आपके पार्टनर पूरी रात डियर, ठीक है। बस इनको आपका साथ चाहिए, प्यार चाहिए, मतलब इनको आपका साथ और प्यार चाहिए, बस यही चाहते हैं डियर, और दिल और दिमाग में आप ही छाए हो। ये कह रहे कि आप उनके दिल दिमाग से नहीं निकलते हो, इसलिए अगर आपने उनसे मूव ऑन करने की सोच ली है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हो, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप अगर चाहते हो कि लाइफ में मैं आगे बढ़ जाऊं और मूव ऑन कर दूं, तो ये कह भी रहे हैं डियर कि आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हो, ये आपको फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन डियर ये दिल से नहीं,
बिल्कुल दिल से नहीं, ये ऊपर से बोल रहे हैं, ये तो खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये सच्चे प्यार की उन्हें हमेशा से तलाश थी, बचपन से हो सकता है डियर इनके लाइफ में कुछ ऐसे चीज हुए हैं जहां उनको हमेशा एक कमी की एहसास रही है, वो प्यार नहीं मिला। जब जाकर इन्हें प्यार मिला तो थर्ड पार्टी आई तो आप में दूरियां बनी, और इस कनेक्शन को लेकर वो बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं डियर। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं डियर। ठीक है, ये आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, क्या आप उन्हें आज भी वो प्यार करोगे, क्या आप उन्हें आज भी वो रिगार्ड करते हो, क्या उन्हें रिस्पेक्ट करते हो, क्या वो सच्चा प्यार आज भी है। देखिए कैंडल बुझ गया डियर, समझ रहे हो, मतलब कैंडल बुझा है, आप देख रहे हो ना यहाँ का कैंडल बुझा है, मतलब कि ये इंसान के लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है अंदर से, मतलब कैंडल बुझना अंदर से, ये पर्सन बहुत रो रहे हैं डियर। ठीक है ना, ये दिल से आपको एकदम निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके बस में होता है ना डियर, समय कभी कभी ऐसा आता है कि इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसी को यहाँ पे बैलेंस करने की, कंट्रोल करने की जरूरत होती है, एक कॉम्प्रोमाइज, एक बैलेंस लाने की जरूरत होती है। यहाँ पे कैंडल बुझा है तो सोचिए कि आपके पार्टनर के लाइफ में कितने अंधेरे हैं, अच्छी खासी कैंडल जल रही थी डियर और ये बुझ गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करें, कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है डियर। ठीक है, करेंट एनर्जी में देखा जाए तो आप आज के पार्टनर आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ के लिए बहुत प्यार भरा मैसेज होगा, कुछ के लिए फाइटिंग की एनर्जी है, कुछ मेरे व्यूवर्स आप लोग बैलेंस में रहिएगा, उतार चढ़ाव की एनर्जी है, कभी आप बहुत खुश रहना पसंद करोगे, कभी ओवर थिंकिंग करोगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोग की गाइडेंस है कि बैलेंस बना के चलना, अगर आपके पार्टनर बात भी करते हैं तो एक बैलेंस बनाकर चलना है, एनर्जी आज बचाना है, एनर्जी को बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को नहीं दे देना है, नहीं तो फाइटिंग हो सकती है या फिर बहुत ज्यादा प्यार हो सकता है। बस करेंट एनर्जी में यही है, क्योंकि ये पूरी रात सो नहीं पाए हैं डियर, इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब हैं, थोड़ा गुस्सा भी है, प्यार भी है, थोड़ा अंदर से मतलब स्ट्रेस भी है, मतलब गुस्सा उतारने की भी एनर्जी है, लेकिन प्यार भी अनकंडीशनल है डियर। किसी के लिए बहुत ज्यादा प्यार बढ़ने वाला है, किसी के लिए बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के लिए थोड़ा सा खटपट हो सकता है डियर, लेकिन आप बैलेंस करके चले, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो देखिए कितना खूबसूरत एनर्जी निकल कर आ रही है, वाह, कुछ ना कुछ अच्छा आपको आज रिजल्ट मिलेगा डियर। आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, बस आप लोग कंट्रोल में रहिएगा, क्योंकि देखा ये घूमकर जैसे होता है ना व्हील ऑफ फॉर्चून लक साथ दे रहा है, मेजर शिफ्ट जो होता है, मेजर शिफ्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ आपको बैलेंस कर चलना है, अपने शब्द पर बिल्कुल काबू रखना है, कोई ऐसे सवाल जवाब नहीं करना है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर अपने विचार को कंट्रोल कर रहे हो, तो यहाँ कंट्रोल भी करना है डियर, क्योंकि आज बहुत लोग की बात मुलाकात हो सकती है, वीडियो कॉल आ सकता है, बहुत लोग का तो आ गया है, कुछ लोग का आने वाला है, लेकिन गाइडेंस में है कि थोड़ा बैलेंस, थोड़ा पॉजिटिव रहना है, सोच समझकर बात करना है, अपने शब्द पर काबू रखना है और हैप्पी हैप्पी रहना है, क्योंकि बहुत लोग की आज बात मुलाकात कॉन्टेक्ट भी हो रही है और प्लानिंग भी आपकी बन सकती है, आपके पार्टनर प्लानिंग भी कर सकते हैं मुलाकात करने का, और हो सकता है कि अचानक से आपके पार्टनर मुलाकात भी करने चले आपको लेकर डियर। तो यहाँ पे यही आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही आपको जस्टिस दे पा रहे हैं, बस ये आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो बढ़ सकते हो, लेकिन डियर दिल से नहीं, ये दिल आपका है। ठीक है, ये दिल आपका है, ये किसी और का नहीं, एक डीप कनेक्शन आपके पर्सन फील कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एहसास है आपका, पूरी रात काफी प्लानिंग किए हैं डियर, करेंट एनर्जी में मैंने जो बोला है कि आप लोग बैलेंस करके चलिए, बहुत तरह की एनर्जी होती है तो बैलेंस कर चलना है आपको। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, सपने पर फोकस कीजिए, सपने आपको मैसेज दे रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपका हाई पावर, हाई मतलब जो होता है आपका अंदर का पावर जो ग्रोथ कर रहा है, तो अपना इंट्यूशन का भी सुने। अगर कोई सॉन्ग, चैनल सॉन्ग आपके दिमाग में अचानक से गुनगुना रहा है डियर, तो उस गानों को आप सुने, अगर नो कॉन्टेक्ट में भी हो, कॉन्टेक्ट में भी हो, अगर आपके पार्टनर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, नहीं कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई गाने चलेंगे अचानक से। ठीक है, और वो गाना गुनगुनाओगे, उस गाना को आप पूरा सुन लेना, या फिर कहीं सुना आपको गाना लगे तो आप उस गाना को सुनना, उस गाने में आपके पार्टनर का मैसेज होगा डियर। ठीक है,
तो ये आपके पार्टनर के ट्रू फीलिंग से पूरी रात आपके लिए काफी सोच रहे थे, एक्शन को लेकर बात करना है, एक्शन लेना है, बहुत मिस कर रहे थे आपके बिना, एक कमी फील उन्हें हो रही थी, वो आपसे मिलने की बातें करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं। तो डियर ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनका मैसेज भी यही था डियर कि आपसे जो कहना चाहते थे इस मैसेज के माध्यम से आपको उन्होंने कह दिया। तो बस आप लोग पॉजिटिव रहें, अपने ऊपर फोकस करें, लाइफ में आगे बढ़ें। डियर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।